हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। और आज संडे है तो इसको ध्यान में रखते हुए आज आपकी जो क्लास है वो पेनिनसुलर रिवर्स की मैंने रखी है और थोड़ा सा लंबा है ये टॉपिक, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में इसको। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेनिनसुलर रिवर्स। मैं इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको बता दूँ कि इसकी जो भी PDF फाइल है वो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिलेगी। तो जो भी आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं वो सब आपको नीचे मिलेगा, ठीक है। जस्ट गो थ्रू द लेक्चर। If you have any kind of doubts, then you can just comment over the video and I will just let you know about the same. Okay? तो start करते हैं अपना video. तो peninsular rivers की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास आती हैं east flowing and west flowing peninsular rivers. ठीक है? तो ये है आपका वो part जो हम बात कर रहे हैं कि पेनिनसुलर रिवर्स के लिए काम करेगा, ठीक है। यहाँ से आपकी स्टार्ट होती हैं ये पेनिनसुलर रिवर्स। इसके नीचे जितना भी पार्ट है आपका वो सब रिजल्ट करेगा पेनिनसुलर रिवर्स में, ठीक। इसको आप समझ पा रहे होंगे क्या है। ये गुजरात वाला पार्ट है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश वाला पार्ट, जो भी इससे नीचे वाला पार्ट है वो सब कंस्टिट्यूट करता है पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो जो आपकी मेजर रिवर यहाँ पर फ्लो करने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहां पर, ठीक है, ये है आपकी मेजर रिवर जो आपकी फ्लो करती हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स की, ठीक, और ईस्ट और वेस्ट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर ये इंडिया की बात हम लोग करते हैं और ये हम बनाए, ईस्ट होगा ये, वेस्ट होगा ये, नॉर्थ होगा ये और साउथ होगा ये। तो जो भी आपके रिवर्स इस साइड पर फ्लो कर रही हैं वो सब हैं आपकी ईस्ट फ्लोइंग। और जो भी आपके रिवर्स जो हैं, जो भी आपकी जो ये रिवर्स हैं आपकी काम कर रही हैं इस वाले तरफ, ठीक है, फ्लो कर रही हैं इधर की तरफ। इधर है आपका बे ऑफ बंगाल और इधर है आपका अरेबियन सी, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल साइड पर जो जा रही हैं वो सारी हैं आपकी ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग वो सारी हैं जो आपकी जा रही हैं अरेबियन सी में, ठीक है। तो मेजर रिवर्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो आज का लेक्चर है वो प्राइमरली बेस्ड है कि पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो मेजर रिवर है वो कौन कौन सी हैं। मिसलेनियस का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपकी सारी रिवर्स थ्रू आउट इंडिया मेंशन होंगी, जो कि ना तो गंगा रिवर सिस्टम में मेंशन हुई है, ना इंडस रिवर सिस्टम में मेंशन हुई है, ना ब्रह्मपुत्र में मेंशन हुई है और ना यहाँ पेनिनसुलर में मेंशन हुई है, ठीक है। तो डू नॉट यू नो जस्ट रीड इट थॉरली, ठीक। तो यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं ईस्ट फ्लोइंग की, तो ईस्ट फ्लोइंग में आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी और हैं, पेन्नर है, सुबर्नरेखा है, ब्राह्मणी है, शारदा है, पोनियार है, वेगई है, ठीक। ये सारी रिवर्स आपकी ईस्ट फ्लोइंग है, लेकिन इस जो स्लाइड है उसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्राइमरली ये चार, ठीक है। कावेरी की स्पेलिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, उसको के से भी स्टार्ट करते हैं, सी से भी स्टार्ट करते हैं, वन एंड द सेम थिंग, ठीक। अब है आपकी कौन सी रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इसमें जो हम मेनली बात करेंगे वो करेंगे नर्मदा की, दूसरी बात करेंगे तापी की, माही की और लूनी की, ठीक है। बाकी ये जो सारी रिवर्स हैं ये सभी सेम हैं, उसमें तवा भी है, शारावती भी हैं, ये सारे के सारे जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे ये वाले रिवर्स हैं या आपकी गंगा रिवर सिस्टम वाले भी जो रिवर्स थी वो सब फॉर्म करती थी डेल्टा, लेकिन आपकी जो ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं खासतौर से वेस्ट फ्लोइंग वाली, ये आपकी डेल्टा फॉर्म ना करके ये फॉर्म करती हैं एस्टुरीज, ठीक है। एस्टुरीज क्या होता है, फ्रेश वाटर का और सॉल्ट वाटर का मिक्स वाला जो एरिया होता है, जो कि एक मार्जिन बाउंड्री से आपका डिमार्केट होता है फ्रॉम सी, दैट पार्ट इज कॉल्ड एस्टुरी, ठीक है। तो उसको फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ये भी हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कि आपकी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है उसमें जो सबसे पहली रिवर है वो है आपकी महानदी, ठीक है। तो महानदी की जब हम लोग बात करेंगे, ये देखिए ये डायग्राम जो पूरा आपका बना हुआ है यहाँ पे चार्ट, इसमें ये वाला पार्ट है मध्य प्रदेश, यहाँ पर है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है उड़ीसा, ठीक है। इसको आप समझ लें एक बार डायग्राम को। और ये जो ब्लू पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ब्लू पार्ट आपका है बे ऑफ बंगाल। मतलब क्या है इसका, कि रिवर आपकी महानदी जो चल के आने वाली है सारी ट्रिब्यूटरीज उसमें ज्वाइन करेंगी एंड अल्टीमेटली इसका सारा वाटरफॉल करेगा बे ऑफ बंगाल में, अलॉन्ग साइड वॉट चिलिका लेक। चिलिका लेक का फॉर्मेशन भी इसी के आसपास ही है, ठीक है। चिलिका लेक बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रिवर जो है आपकी ये गई और यहाँ किसी एक पाथ से ना जाके मल्टीपल स्ट्रीम्स के थ्रू ये बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है, ठीक। अब देखिए क्या होगा,
सोर्स जो है इस रिवर का सबसे पहला, ठीक है, महानदी की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका सोर्स होता है दादा कर्णिया, ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो याद रखिएगा इस रिवर का जो मेन पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रिवर ओरिजिनेट करती है फ्रॉम छत्तीसगढ़, दादा कर्णिया जगह है, ठीक। नेक्स्ट, रिसीविंग दी सेवनाथ रिवर, ठीक है, नाम है रिवर का सेवनाथ। ये सेवनाथ रिवर को क्या करती है, रिसीव करती है, ईस्ट की तरफ टर्न करती है और उड़ीसा स्टेट के अंदर एंट्री लेती है। तो जब आपकी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा स्टेट के अंदर एंटर करेगी तो सेव ये जो है आपकी सेवनाथ जो रिवर स्ट्रीम है इसको ये लेगी, देन उसके बाद ये एंट्री करेगी। तो उसके बाद क्या होगा, संबलपुर, ठीक है। संबलपुर एक जगह है यहाँ पे जो हीराकुंड डैम है आपका, जो कि लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, ठीक है, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। ये मैन मेड लेक है जो इस पर 35 माइल्स के अराउंड जो है ये बना हुआ है, मतलब इतनी इसकी विड्थ है, ठीक। तो सांबलपुर जगह है जहाँ पर ये हीराकुंड आपका जो डैम है वो इस रिवर के ऊपर बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट देखें, महानदी के बारे में ही हम सब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम यही डायग्राम है, सेम डायग्राम जो पहले आपने देखा था, अभी भी ये वही डायग्राम है। फिर क्या है कि आपके छत्तीसगढ़ से जब उड़ीसा में एंट्री करी तो ये कटक के अराउंड जो है बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है और इसकी होते हैं सेवरल चैनल। जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिवर किसी एक पाथ से ना जाके मल्टीपल चैनल्स के थ्रू बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है, ठीक है। फाइनली क्या होगा, जो महानदी का बेसिन है ये एक्सटेंड करता है, प्राइमरीली तो एक्सटेंड करता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ठीक है, लेकिन इसका कुछ छोटा छोटा पोर्शन जो है वो अदर स्टेट्स के अंदर भी फ्लो करता है, जिसमें कि आपका झारखंड भी है, महाराष्ट्र भी है और मध्य प्रदेश भी है। लेकिन इनके अंदर जो रिवर फ्लो करती है उसका जो पोर्शन है फ्लो करने का, जो उसकी लेंथ यहाँ पर है वो बहुत कम है इन कंपेरिजन टू दीज टू स्टेट्स। तो प्राइमरली अगर महानदी की हम लोग बात करेंगे तो वो फ्लो करती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर, ठीक। नाउ नेक्स्ट, ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं महानदी रिवर की। तो जब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की, तो सेवनाथ अगर आपको याद आ रहा हो, ये हमने बात की थी कि रिवर एंटर करती है जब उड़ीसा में, तो इस ट्रिब्यूटरी को अपने साथ लेकर के तब वो उड़ीसा में एंटर करती है। तो ये जो रिवर ये है इसकी, ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सेवनाथ, हसदेव, मंद, इब, ठीक है। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसमें ध्यान रखिएगा ओंग, तील, जोंक, ठीक है, ये सारी की सारी जो है आपके अपने ट्राइब्स के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप नाम सुनेंगे ओंग, इब, ठीक है। तो ये जितने भी आपके ट्राइब्स हैं वो इन रिवर के अलोंग जो लोग रहते हैं, जो पीपल रहते हैं आपके फॉरेस्ट एरिया के अंदर, इन्हीं के ऊपर ये नाम बेस्ड हैं आपके, ठीक है। तो ये सारी इसकी हैं लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो हमें ध्यान रखना है कि रिवर का सोर्स क्या होगा और इसकी ट्रिब्यूटरी क्या क्या है। नाउ नेक्स्ट, गोदावरी, ठीक है, महानदी की हम लोग बात कर चुके हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर की हम लोग बात कर रहे हैं, पेनिनसुलर रिवर की। अब जो हमारे पास गोदावरी है उसको हमें ध्यान रखना है कि ये पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर क्यों, फर्स्ट कौन है, यानी कि इसका मतलब गैंजीज रिवर है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है दैट रन्स विद इन द कंट्री एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर ये लॉन्गेस्ट है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया हम लोग बात करेंगे तो ये सेकेंड पोजिशन पर आती है। नाउ नेक्स्ट, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, त्रिंबक जगह है आपकी नासिक के अंदर, नासिक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपकी जो रिवर है वो फ्लो करने वाली है महाराष्ट्र स्टेट से, ठीक है। तो महाराष्ट्र से इसका ओरिजिनेशन होगा, ठीक है, और ये आपकी नासिक त्रिंबक जो जगह है वहाँ से ये फ्लो करने वाली है, स्टार्ट होने वाली है मतलब। देन उसके बाद क्या होगा, इसी को हम लोग, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, दक्षिण गंगा भी हम लोग इसको बोलते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये दक्षिण गंगा नाम जरूर आता है, ठीक है, कि दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है, तो दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी को, ठीक। तो दक्षिण गंगा या गौतमी भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये जो बेसिन है इसका, मतलब ये जो रिवर यहाँ से जो चल के आ रही है आपकी, इसका जो बेसिन है वो किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है, या कि इसके आसपास कौन कौन है। तो कौन कौन है इसके आसपास, सतमाला हिल्स, अजंता रेंज, महादेव हिल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ है इसके नॉर्थ में, और एक तरफ है ईस्टर्न घाट और एक तरफ है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं आपके, मैंने लास्ट में इन स्लाइड्स के एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पर मैंने इन सब हिल्स को वहाँ पर मेंशन किया है कि कहाँ पर कौन सी हिल्स लाई करती हैं। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, लास्टली जब हम स्लाइड को देखेंगे तो उसमें मैं आपको डिस्कस कर दूंगी कि गोदावरी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी हिल्स से ये सराउंडेड होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी है, बस ध्यान रखना है हमने, सतमाला, अजंता, महादेव, ये सब इसके आसपास जो हिल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, गोदावरी जो है इंडिया की सेकेंड
लार्जेस्ट है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, ओरिजिन होता है त्रिंबक प्लेट्यू में। बेसिन इसका एक्सटेंड करता है कहाँ कहाँ से। अब ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे कि महाराष्ट्र तो है ही क्योंकि नासिक से ओरिजिनेट हो रही थी, फिर कहाँ जाएगी? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश तो है ही, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जगह भी है जहाँ से ये रिवर आपकी ट्रैवल करने वाली है। एंड फाइनली ये जो है पुडुचेरी, जो आपकी ये टेरिटरी है, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, यनम जगह है, वहाँ से क्रॉस करते हुए आपकी फाइनली फॉल करती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो मध्य प्रदेश भी है इसमें जगह है, कर्नाटका भी है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी भी है। तो पुडुचेरी से आपसे पूछे कौन सी रिवर जाती है, तो द रिवर विच गोज ओवर देयर इज गोदावरी। आजकल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप ध्यान रखें जब हम यूपीएससी के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपके सेंचुरीज के साथ साथ आजकल साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि कौन सी रिवर वहाँ से क्रॉस करती है। तो हम स्टेट्स जो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि एमसीक्यू करते हुए आपको हमेशा ये ध्यान रहे कि रिवर किस किस स्टेट को क्रॉस करके गई है। तो गोदावरी की जब हमने बात करी तो ध्यान रखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन? महाराष्ट्र सबसे बड़ा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और फिर कुछ कुछ पार्ट है मध्य प्रदेश का और कर्नाटका, एंड फाइनली पुडुचेरी। यहाँ इन सारे पार्ट से होते हुए ये रिवर फॉल करती है अल्टीमेटली आपकी बे ऑफ बंगाल में। और फाइनली देखें यहाँ पर भी जो फॉल कर रही है बे ऑफ बंगाल में, वो किसी एक पार्ट से फॉल नहीं कर रही है, बहुत सारे मल्टीपल फैन इसने बनाया उसके थ्रू ये बे ऑफ बंगाल में फॉल कर रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखें आप, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की। तो लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की जब हम रिवर की बात करेंगे तो आपकी सबसे पहले रिवर आती है धरना, दूसरी आती है पैनगंगा, वैनगंगा, वारदा, ठीक है। इन तीनों रिवर्स को अगर हम एक साथ मिला दें तो इनसे बनती है प्राणहित, ठीक है, या प्राणहिता, ठीक है। ये जो आपके रिवर है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों के वाटर को ये कैरी आउट करती है। एंड फाइनली और जो इसके अंदर मिलती है वो है पंच, कन्हन, साबरी, इंद्रावती। अब मैं आपको इसमें बता दूं कौन कौन से रिवर इंपॉर्टेंट है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी मिनरल रिसोर्सेज की भी बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं इन जगह में, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो यहाँ से हमें मिलते हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिवर का हमें ध्यान रखना है कहाँ पर कौन मिलने वाला है। तो जैसा कि हमने कहा स्टेट से क्वेश्चन आता है, सेम जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पर, इन ट्रिब्यूटरीज के अराउंड क्या रिसोर्सेज मिलते हैं उससे भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कौन कौन से रिवर इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली है पैनगंगा, दूसरी है वैनगंगा, तीसरी है पंच, ठीक है, तीसरी है आपकी इंद्रावती, ठीक है, एंड फाइनली है आपकी साबरी। ये सारे के सारे जो रिवर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी नाम ठीक है लेकिन ये वाले नाम जो है इनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। एंड फाइनली जब हम बात करते हैं गोदावरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की तो इसमें आती है प्रवर, मुल्ला, मंजरा, पेदावगु, मनेर, ठीक है, ये आपकी सारे के सारे रिवर हैं। इसमें भी मुल्ला जो रिवर है ये आप ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की तो उसको मैं अलग से वहाँ पर मेंशन भी करूँगी, ये रिवर दोबारा से हमारे सामने आने वाली है, ठीक है। तो ये आपका पूरा डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवरा, मुल्ला, ठीक है, मंजरा, ये सारे के सारे आपकी यहाँ पर रिवर हैं, पेडावगु, ठीक है, आपके ये यहाँ से देखें वारधा, वैनगंगा, पंच, कान्हान, अपर वैनगंगा, ठीक है, ये सारे के सारे आपकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ बनी हुई हैं। तो इस डायग्राम को अगर आप एलैबोरेट करके देखेंगे तो सारी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो द स्टेट्स कहाँ कहाँ से ये फ्लो करती हैं। एंड फाइनली कम्स कृष्णा, ठीक है। तो हमने दो रिवर पढ़ ली हैं, महानदी हमने पढ़ ली, गोदावरी हमने पढ़ ली, अब हम लोग बात कर रहे हैं कृष्णा की। तो कृष्णा को आप लोग देख सकते हैं, ये आपका पार्ट है, ये जो वी पार्ट मैं हमेशा बनाती हूँ नीचे वाला सदर्न साइड का, ये वही पार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये आपका अरेबियन सी को डिनोट कर रहा है, और इधर का जो ब्लू पार्ट है वो डिनोट कर रहा है आपका बे ऑफ बंगाल को, ठीक। और आप इसमें नोटिस कर सकते हैं मुंबई है, ये महाराष्ट्र वाला आपका पार्ट है, ठीक है, देन कर्नाटका वाला आपका पार्ट है, गोवा वाला पार्ट है, एंड फाइनली केरला वाला पार्ट है। नीचे इधर है आपका तमिलनाडु, एंड फाइनली ऊपर ये वाला पार्ट है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन सारे स्टेट्स को, महाराष्ट्र वाला पार्ट तो हो ही गया, इधर की तरफ आंध्र प्रदेश आ गया आपका, उड़ीसा वाला पार्ट हो गया है, ठीक है, तेलंगाना वाला पार्ट है क्योंकि न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हो गया, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इन सारे पार्ट्स को क्रॉस करते हुए फाइनली आपकी रिवर फॉल करती है बे ऑफ बंगाल में। तो कृष्णा रिवर की हम लोग जब बात करेंगे तो ये जो राइज करती है वो वेस्टर्न घाट से राइज करती है, और कहाँ से करती है? जोर विलेज है आपका सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
महाराष्ट्र में, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो जो नाम मेन इसमें पूछा जाता है वो है महाबलेश्वर। ठीक है, तो याद रखिएगा वहाँ हमने नाम लिया था नासिक और यहाँ नाम है महाबलेश्वर। ठीक है, तो महाबलेश्वर से आपकी जो कृष्णा रिवर है उसका ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, महाबलेश्वर से हो गया। अब कृष्णा क्या है आपकी, हमने बोला ऑल ओवर इंडिया बोले तो गोदावरी है सेकेंड, ऐसे अगर पेनिनसुलर इंडिया के अंदर बोले हम लोग तो कृष्णा है सेकेंड रिवर, जो कि आपकी ईस्ट फ्लोइंग है और मतलब लार्जेस्ट है। ठीक है, लेंथ वाइज हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, कृष्णा जो का जो डेल्टा है वो मर्ज करता है विद दैट फॉर्म बाय द गोदावरी एंड एक्सटेंड्स अबाउट 35 किलोमीटर इनटू द सी। तो जो आपकी गोदावरी और कृष्णा है दोनों ही डेल्टा फॉर्म करती हैं और दोनों का डेल्टा मर्ज होता है फॉर हाउ मच पार्ट, 35 किलोमीटर। नाउ बेसिन एक्सटेंड्स ओवर आंध्र प्रदेश, मैंने आपको बताया यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है ये आंध्र प्रदेश वाला आपका पार्ट है, तो ये आंध्र प्रदेश में जाएगी, महाराष्ट्र में जाएगी और कर्नाटका से होकर के जाएगी। तीन स्टेट को क्रॉस करते हुए आपकी रिवर फाइनली जो है बे ऑफ बंगाल में फॉल करेगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इस कृष्णा रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देख लें यहाँ पे ये है घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्र। इसमें याद रखिएगा तुंगभद्रा, ठीक है, ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, प्रोजेक्ट भी है इसके ऊपर, जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे हाइडल प्रोजेक्ट्स की तो हम लोग इसमें बात करेंगे। फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की जो हम लोग बात करते हैं तो उसमें है भीमा, अगेन इंपॉर्टेंट, मूसी और मुनेरू। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, यहाँ देखें तुंगभद्रा। ठीक है, ये जगह आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसे ही आपकी है भीमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृष्णा रिवर आपकी फ्लो ही कर रही है, कोयना, भीमा, ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये आपके रिवर्स हैं जो इस तरीके से जा करके फाइनली यहाँ मीट करके और ये आपका यहाँ बे ऑफ बंगाल में रिवर फॉल कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं डायग्राम में बना हुआ है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, श्री साईलाम प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट जो है ये इसी रिवर के अराउंड है, कृष्णा रिवर जो है आपकी उसी के अराउंड। तो हम जब इस लेफ्ट और राइट की बात करेंगे तो तुंगभद्रा और भीमा दो नाम हमें जरूर ध्यान रखने हैं। ठीक है, बाकी सारे ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट है पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कावेरी रिवर की। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू आपको पता चल रहा होगा ये बिल्कुल सदर्न पार्ट आ गया जो इंडिया का है। ठीक है, और बिल्कुल सदर्न पार्ट है तो ये जो ब्लू पार्ट है वो शो कर रहा है आपकी अरेबियन सी, ये जो ब्लू पार्ट है वो आपका शो कर रहा है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब जो आपकी कावेरी रिवर है वो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से ये चैनल फॉलो करते हुए मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आपकी बे ऑफ बंगाल में फॉल कर गई। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जितनी भी आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है वो किसी एक कहना चाहिए एक आउटसोर्स नहीं है उनका, मल्टीपल एक फैन के थ्रू वो आपकी जो है सी के अंदर फॉल करती हैं। तो अब ये जो आपकी कावेरी रिवर है उसी को हम लोग पोन्नी रिवर भी बोलते हैं या फिर उससे भी इसका फेमस जो नाम पूछा जाता है वो है गंगा ऑफ द साउथ या साउथ गंगा भी हम लोग इसी को नाम देते हैं। कौन सी रिवर को, कावेरी। और इस चीज को भी ध्यान रखिएगा इसके स्पेलिंग में मेंशन ना हो CAUVERY। ठीक है, ये भी स्पेलिंग कावेरी की है तो कावेरी के से स्टार्ट करें सी से स्टार्ट करें वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, रिवर्स जो है ये रिवर जो आपकी राइज करेगी वो करेगी ब्रह्मगिरी हिल्स से। ठीक है, तो याद रखिएगा नासिक, महाबलेश्वर और अब आ गया ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स से आपकी वेस्टर्न घाट्स में जो साउथ वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट के अंदर पड़ती हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है आपकी। फाइनली क्या करेगी, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी और कर्नाटका, तमिलनाडु और जो उसके ईस्टर्न घाट्स हैं उस तरफ से होते हुए फाइनली फॉल करेगी बे ऑफ बंगाल के साइड। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मैसूर ये जगह है यहाँ पे। ठीक है, ईरोड भी है और ये कावेरी यहाँ से जा रही है आपकी। एंड फाइनली जब हम लोग इस रिवर की बात कर रहे हैं तो ये फाइनली जो मर्ज करती है बे ऑफ बंगाल में ये करती है टू द साउथ ऑफ कुडलोर। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर ये जगह है कुडलोर। ठीक है, यहाँ से ये फाइनली बे ऑफ बंगाल के अंदर फॉल करती है। ठीक है, जो कावेरी रिवर है वो ब्रेक करती है बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर। ठीक है ना, ये आपकी कावेरी रिवर ही बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर जो है ये ब्रेक करती है, फॉर्मिंग अ वाइड डेल्टा नॉन एज द गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, ये जो पूरा बोला जा रहा है इसको बोला जा रहा है गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया। बहुत फर्टाइल है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। द रिवर डिसेंड्स फ्रॉम दी सदर्न कर्नाटका प्लेट्यू, सदर्न कर्नाटका प्लेट्यू से तमिलनाडु के अंदर जाती है और जहाँ ये जाती है वहाँ पर है शिव समुद्रम वाटरफॉल्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछा जाता है कि शिव समुद्रम वाटरफॉल्स जो हैं वो किस रिवर के बैंक्स पर पड़ते हैं। ठीक है, तो इस यही रिवर है जिसके अराउंड ये शिव समुद्रम फॉल्स जो है वो पड़ता है। नाउ नेक्स्ट,
ट्रिब्यूटरी की हम लोग बात कर रहे हैं कावेरी रिवर की, तो यहाँ पर आता है हरंगी, लेफ्ट जो बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी, हेमवती, सिम्हा, अर्कावती, ठीक है, ये सारी हैं आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है लक्ष्मण तीर्था, कबानी, सूर्य, ये है सुवर्णावती, ठीक है, भवानी, नोयल और आपकी अमरावती। अमरावती इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें हम जब नाम लेंगे तब मैं आपको उसमें डिस्क्राइब करूंगी, आगे स्लाइड्स में आप लोग देखिएगा, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप अपनी रिवर को देख सकते हैं, ये केरला स्टेट है, ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटका है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु को क्रॉस करते हुए ये फाइनली गिर गई बे ऑफ बंगाल में। तो जो कावेरी रिवर है आपकी वो दो स्टेट को क्रॉस करते हुए ट्रैवल करती है, ठीक है। इसके वाटर के ऊपर डिस्प्यूट भी है, वो लेटर ऑन हम लोग वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं डिस्कस करूंगी। एंड फाइनली वी कम टू द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और जब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करते हैं, है तो बहुत सारी, बट प्राइमरीली हम लोग यहाँ पे चार रिवर की बात करने वाले हैं, ठीक है। और उन चार में भी दो मेजर रिवर हैं आपकी, नर्मदा और तापी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपको ये डायग्राम जो है विजिबली क्लियर होगा, ये चीज़ बनाने का मतलब है गुजरात, है ना, होपफुली क्लियर हो गया, क्योंकि मैं इतनी बार अब तक डायग्राम बना चुकी हूँ, अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया अगर हम लोग बना रहे हैं, इस पार्ट को बनाने का मतलब हो जाता है कि हम गुजरात की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गुजरात है ये आपका गुजरात, और गुजरात में ये जो बीच वाला पार्ट है आपका, जहाँ दमन दीव वाला पार्ट भी पड़ता है, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर फॉल कर रही हैं आपकी ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये है आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई जस्ट शुड टेक दिस कलर, ठीक है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपका पिंक वाला पार्ट है ये है नर्मदा, ठीक है। देन कम्स दिस तापी, ठीक है, ये आ रही है आपकी माही, और ये है आपकी साबरमती। लूनी रिवर भी यहीं पर है, पर वो आपके बे ऑफ बंगाल में फॉल नहीं करती, वो यहीं राजस्थान से ओरिजिनेट होकर राजस्थान और गुजरात के अंदर ही वैनिश आउट कर जाती है, मतलब यहीं चलती है और यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बे ऑफ बंगाल के अंदर फॉल करने वाली आपकी ये चार रिवर हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो डिस्क्राइब करूंगी, अभी मैं उससे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर से मैं इसको बोल रही हूँ कि जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं आपकी अरेबियन सी के अंदर जो फॉल करने वाली हैं, वो डेल्टा को फॉर्म नहीं करती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी बनाती हैं एस्चुरीज या फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। क्या मतलब है इसको, कि यहाँ पर आपका सी वाटर भी मिलेगा, फ्रेश वाटर जो रिवर से आ रहा है वो भी मिलेगा, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि सी वाटर जो होता है वो ब्रैकिश होता है, ब्रैकिश मतलब सॉल्टी होता है, और जो आपकी रिवर्स होती हैं, क्योंकि वो रेन फेड होती हैं या माउंटेन से आकर के वो जाती हैं, ग्लेशियर से आपकी बनती हैं, तो वो जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है, मतलब सॉल्ट वाटर नहीं होता है। तो फ्रेश वाटर रिवर का प्लस सी वाटर, ब्रैकिश वाटर जब साथ में मिलते हैं, तो ऐसी जगह पर बनती हैं आपकी ब्रेस्चुरीज, जो कि एक बहुत बढ़िया जगह होती है आपकी मैंग्रूव के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, फिर से बोल देनी हो, मैंग्रूव्स के लिए, ठीक है। तो आपकी कोस्ट लाइन को मेंटेन जो करेगा, ठीक है ना, वो कौन करेगा, कि यहाँ पर तो इरोजन को होने से बचाएंगी, वो ये एस्चुरीज ही होती हैं जिनके अंदर मैंग्रूव्स होते हैं, या आपके ब्रैकिश वाटर के जो प्लांट्स होते हैं या जो ट्रीज होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं इसमें आगे, ये वही लिखा हुआ है सेम चीज़ें यहाँ पे, कि साबरमती है, माही है, लूनी है, ये सारी की सारी आपकी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी, अगेन आई शुड चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, नर्मदा की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि पेनिनसुलर इंडिया की वेस्ट के अंदर फ्लो करने वाली लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। इस लार्जेस्ट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी ईस्ट फ्लोइंग, अगर हम बात करते हैं इंडिया में ऑल ओवर, तो गोदावरी सेकेंड है, ठीक है, फिर चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन अगर हम लोग पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो गोदावरी आती है फर्स्ट नंबर पर, एंड देन कम्स नर्मदा, ठीक है। लेकिन अगर ईस्ट फ्लोइंग की हम लोग बात करें तो आपकी नर्मदा आती है फर्स्ट नंबर पे, जो आपकी है लार्जेस्ट रिवर, ठीक है जी। तो जो आपकी नर्मदा रिवर है, अगर उसका हम डायग्राम देखें, आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेटेड फैशन में देखिएगा, ये जो गुजरात वाला पोर्शन है ये है आपका, और ये जो पार्ट है आपका ये महाराष्ट्र वाला है, ये जो आपका पार्ट है ये है आपका मध्य प्रदेश, और ये जो आपका पार्ट है ये शो कर रहा है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहां से ये आपकी रिवर ओरिजिनेट होती है, एंड फाइनली बे ऑफ बंगाल के अंदर ये फॉल करती है। तो क्या क्या होगा इस रिवर के अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नर्मदा और तापी दोनों ही बनाती हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली बोलने का मतलब क्या होता है, कि ये दोनों ही दो माउंटेन रेंजेस के बीच के अंदर फ्लो करती हैं, मतलब दो माउंटेन होंगी दोनों के बीच में, ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, यहां से ये रिवर जो है वो फ्लो करती होगी। दिस थिंग इज कॉल्ड रिफ्ट वैली, ठीक है। अब इसमें देखें क्या होने वाला है,
कौन कौन सी रेंजेस हैं जिनके बीच में फ्लो करेगी, ये है विंध्यास और सतपुड़ा रेंज, ठीक है। अगर वो आपको डायग्राम क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा देती हूँ कि अगर ये नर्मदा रिवर है तो ऊपर है ये आपकी विंध्यास रेंज और नीचे ये है आपकी सतपुड़ा रेंज। नर्मदा और सतपुड़ा के बीच में ट्रैवल करती है आपकी नर्मदा, ये नर्मदा जो रिवर है आपकी, ये यहाँ से आपकी फ्लो करने वाली है, ठीक है। अब क्या होगा, कहाँ से राइज करेगी, ये राइज करेगी मैकाल रेंज से। मैकाल रेंज कहाँ है, ये आपकी अगर विंध्यास रेंज है तो लास्ट का जो उसका यहाँ पर पॉइंट है ये है आपकी मैकाल रेंज, ठीक है। मैकाल रेंज से आपकी स्टार्ट करेगी अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम ये नाम पहले भी ले चुके हैं और ये नाम हमने लिया था जब हमने यमुना रिवर की बात करी थी और उसकी ट्रिब्यूटरी की बात करी थी, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी सोन, ठीक है ना, आपकी गैंजिस रिवर सिस्टम में जब हमने बात करी थी, ठीक है। तो सोन जो रिवर है उसका भी जो सोर्स है वो अमरकंटक प्लेट्यू है और नर्मदा जो रिवर है उसका भी सोर्स है अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। तो अब देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर ये ओरिजिनेट करेगी, वेस्ट की तरफ ये चलेगी और गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है ना, इसके अंदर ये फॉल करने वाली है। अब जो आपकी नर्मदा है वो कहाँ कहाँ से पास करेगी, भाई सबसे पहले चीज़, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, विंध्या रेंज, विंध्या रेंज बोले तो मध्य प्रदेश तो सबसे पहला नाम होगा, देन कम्स व्हाट, महाराष्ट्र एंड फाइनली कम्स गुजरात, ठीक है। तो तीन स्टेट हैं जिससे ये फ्लो करने वाली है, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है गुजरात, तीन स्टेट को क्रॉस करते हुए जाएगी रिवर। फिर क्या होगा, ये नर्मदा जो रिवर है, मैंने अभी जैसे दो पीक्स तो आपको बता दी, सबसे पहला था हमारा विंध्या और दूसरा है हमारा सतपुड़ा, ठीक है। ये तो आपकी है नॉर्थ में, तो अगर हम इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये रिवर की हम लोग बात कर रहे हैं और इसको हम ईस्ट वेस्ट, सॉरी, इसको अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में देखें तो आपका जो विंध्यास है वो पड़ती है इसके नॉर्थ में, मतलब इस साइड पर है विंध्यास, ठीक है। ये आपका जो पार्ट है वो है विंध्यास का। मैकाल रेंज है जो इसके ईस्ट में पड़ती है, मैंने बोला था विंध्यास के लास्ट में यहाँ पर पड़ती है मैकाल रेंज, ठीक है। तो आपकी मैकाल रेंज है यहाँ पे। फाइनली जो सतपुड़ा है इसके साउथ में पड़ती है, इधर की तरफ जो ये रेंज है वो है आपकी सतपुड़ा, ठीक है। एंड फाइनली जो अरेबियन सी है वो पड़ती है इसके वेस्ट मार्जिन में, यहाँ जिसमें ये फॉल करने वाली सी है, दैट इज अरेबियन सी। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ से ये बाउंड है आपकी रिवर, ठीक है। फिर क्या होगा, फाइनली द रिवर स्लोप्स डाउन, ठीक है ना। रिवर क्या करती है, स्लोप डाउन करती है, कहाँ से स्लोप डाउन करेगी, जबलपुर, ठीक है। जबलपुर जगह है जहाँ पर इसके ऊपर एक स्मॉल वाटरफॉल है जिसको धुआंधार फॉल या फिर आपका क्लाउड ऑफ मिस्ट ये भी चीज़ बोली जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है MCQs के अंदर और यही क्वेश्चन करके आता है कि धुआंधार फॉल्स जो है वो किस रिवर के अराउंड है। तो आपकी वो जो रिवर है वो कौन है, नर्मदा, ठीक है। तो आपकी ये जो जगह है वो जबलपुर के पास पड़ती है, वहीं पर आपका ये स्मॉल वाटरफॉल है जो यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नर्मदा रिवर के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है। तो आपके पास है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और आपके पास है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो जब हम लोग बात करते हैं राइट बैंक की तो आती है इसमें बाढ़ना, हिरन, टेंडनी, कोरल, कोरल, ठीक है, ये चोरल बोल सकते हो, उसको कोलर बोल सकते हो, एक ही बात है, मैन, उरी, हथनी और संग, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बुरनेर, बंजर, शखर, दूधी, तवा, गंजल, छोटा तवा, कावेरी, कुंडी, गोई, करजर, ठीक है। इसमें ऐसा कोई इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग नाम नहीं है जो आपको याद रखना है, तवा एक नाम ध्यान रख सकते हैं आप लोग, कावेरी से कंफ्यूज नहीं होना है, ये वो वाली कावेरी नहीं है जो हम सदर्न साउथ वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। ये छोटी मोटी रिवर है जो यहाँ से आपकी ट्रैवल करती है। नाउ नेक्स्ट ताप्ती, ताप्ती रिवर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको हम तापी भी बोलते हैं, ठीक है ना। नर्मदा की हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं तापी रिवर की, ठीक है। तो तापी रिवर जो है इसी को हम लोग ट्विन ऑफ नर्मदा भी बोलते हैं, ठीक है ना, या ट्विन, या इसको हम लोग बोलते हैं हैंडमेड ऑफ नर्मदा, ठीक है ना। तो जैसे नर्मदा फॉल करती है रिफ्ट वैली के थ्रू, ऐसे ही आपकी तापी भी जाएगी एक वैली के थ्रू और सेम पैरेलल लाइंस के अलोंग मूव करती है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्विन या फिर हैंडमेड ऑफ नर्मदा, ठीक है। ये ओरिजिनेट करती है मुलतई, ठीक है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है आपका, अगेन मध्य प्रदेश में। आपकी नर्मदा भी स्टार्ट कर रही थी मध्य प्रदेश से, ताप्ती भी आपकी स्टार्ट करेगी मध्य प्रदेश से, आउट फॉलिंग इनटू द अरेबियन सी थ्रू द गल्फ ऑफ कैम्बे और गल्फ ऑफ खम्बत।
ठीक है ना, गल्फ ऑफ खम्बत बोले स्पेसिफिकली, वहाँ पर नाम था गल्फ ऑफ कैम्बे, यहाँ पर नाम है गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ खम्बत, वहाँ से ही आपकी अरेबियन सी के अंदर फॉल करती है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं डेक्कन प्लेटू की, तो द बेसिस इज बाउंडेड बाय, सतपुड़ा तो रेंज होंगी ही आपकी, क्योंकि याद करें जब हमने बात करी थी आपकी नर्मदा रिवर की तो क्या क्या था वहाँ पे, ये पार्ट है आपका, ये है नर्मदा और ये है तापी। ठीक है, नर्मदा रिवर की जब हमने बात करी थी तो ऊपर थी विंध्यास और नीचे थी सतपुड़ा। ठीक है, तो अब तापी रिवर की हम लोग बात कर रहे हैं तो तापी के ऊपर कौन सा पार्ट आ जाएगा, सतपुड़ा, क्योंकि ट्विन की हम लोग बात कर रहे हैं, हैंडमेड ऑफ नर्मदा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सतपुड़ा रेंज तो होगी नॉर्थ में। महादेव जो हिल्स हैं, अगेन यहाँ की तरफ जो हिल्स हैं वो होंगी आपकी महादेव हिल्स, यहाँ नीचे की तरफ है आपकी अजंता हिल्स, और जो सतमाला हिल्स हैं वो आपकी सदर्न साइड के ऊपर पड़ती है, और इस साइड पर आपकी ये बाउंड है अरेबियन सी से। तो ये भी आपकी जो तापी है, सेम ट्विन नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपका सेम हिल्स से और ओशियन से बाउंड है, जैसे कि आपकी नर्मदा रिवर बाउंड है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देयर आर टू वेल डिफाइंड फिजिकल रीजंस इन द बेसिन विच हिली रीजन एंड प्लेन्स, मतलब इस रिवर का जो रेन है, जो उसका पूरा टेरेन है उसमें हिली पार्ट भी है और उसमें प्लेन पार्ट भी है। तो हिली पार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें मेन जो पीक्स आपकी पड़ती हैं वो है सतपुड़ा, सतमाला, महादेव और अजंता, वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ कहाँ कहाँ होंगी, वैसे लास्ट में एक वीडियो है उसके अंदर स्लाइड है उसके अंदर भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ अभी। ठीक है, और गाविलगढ़ हिल्स हैं जो वेल आपकी फॉरेस्टेड हैं, मतलब ये इन सारे के सारे पीक्स को अपने साथ लेते हुए रिवर को फ्लो करती है, तो फॉरेस्ट एरिया से ही ये आपकी रिवर जाती है। देख सकते हैं ताप्ती रिवर का ये पूरा डायग्राम है, यहाँ पर ये पार्ट आपका शो कर रहा है अरेबियन सी, ये जो आपका पार्ट है वो है गुजरात, ये आपका पार्ट है महाराष्ट्र, और ये नीचे वाला पार्ट है आपका, सॉरी ऊपर वाला पार्ट है मध्य प्रदेश और नीचे वाला आपका पार्ट है महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये रिवर का पूरा कोर्स रहेगा, यहाँ से आपकी वो चलते हुए ये रिवर फाइनली फॉल करेगी यहाँ, ठीक है ना, गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खम्बत के अंदर। ठीक, बहुत सारे नाम इसके अंदर दिए हुए हैं, जो मेजर नाम है मैं आपको बता देती हूँ, सरदार सरोवर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोलर नाम आपको ध्यान रखना है, इंदिरा सागर आपको नाम ध्यान रखना है, तवा जो मैंने अभी बोला था वो नाम ध्यान रखना है, बारगी डैम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर द मेजर नेम्स विच यू नीड टू नो। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप सिर्फ डायग्राम को रीड कीजिएगा। ठीक है, आगे अब हम लोग बात कर रहे हैं जो आपकी ताप्ती रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, तो राइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर आती है सुकी, गोमई, अरुणावती और अनेर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेफ्ट बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं वघूर, अमरावती, ठीक है, ये जो अरुणावती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अमरावती इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुरे, पंजरा, बोरी, गिरना, पूर्णा, मोना एंड सिपना, बाकी सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, गिरना बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, गिरना और अमरावती दो रिवर आप अपने दिमाग में रखिएगा, बाकी सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनली कम्स कि हम अब किसकी बात कर रहे हैं, साबरमती, तो हमने दो रिवर की बात करी, नर्मदा तापी जो वेस्ट में फ्लो कर रही थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं साबरमती। तो साबरमती की जब हम लोग बात करते हैं, ये आपकी जो रिवर है वो दो रिवर का कंबाइंड स्ट्रीम है, साबर और हतमती। ठीक है, ये दो रिवर है जिससे मिलकर साबरमती रिवर बनती है, कहाँ कहाँ एक्सटेंड करेगी, राजस्थान में जाएगी और गुजरात में जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा इसका बेसिन है वो अनावली हिल्स से बाउंड है नॉर्थ में। ठीक है, रन ऑफ कच्छ है इसका वेस्ट में और गल्फ ऑफ खम्बत है इसका साउथ में, तो ये भी चारों तरफ से बाउंड है, किस किस से बाउंड है ये बताया हुआ है आपको। ये जो आपका पूरा का पूरा इसका बेसिन है वो ऑलमोस्ट इज ट्राइंगुलर इन शेप, इस तरीके से कुछ ये है। ठीक है, इस तरीके से ये बेसिन है इसका। ठीक है, तो अगर इस बेसिन की हम लोग बात करते हैं तो साबरमती रिवर का जो बेस है, ठीक है, वहाँ तो आपका जो सोर्स है वो साबरमती का है और जो उसका एपेक्स पॉइंट आता है वहाँ से आपकी रिवर चलती है जिसका नाम है वत्रक रिवर। ठीक है, वत्रक रिवर है इसकी एपेक्स पॉइंट से स्टार्ट होने वाली जो सोर्स है इसका। फाइनली जो साबरमती रिवर है उसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, वकल, हतमती, वत्रक। ठीक है, और सही इसकी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। साबरमती की हम लोग बात कर रहे हैं, ये है आपकी साबरमती रिवर जो कि यहाँ बे ऑफ आपकी जो अरेबियन सी है उसमें फॉल कर रही है। ठीक, और फाइनली हमारे पास आती हैं लास्ट दो रिवर, जिसमें पहली है माही और लास्ट है लूनी। लूनी को मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि ये आपकी राजस्थान गुजरात के अंदर ही फिनिश आउट कर जाती है, वहीं से आपका इसका ओरिजिन होगा और वहीं पर ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो स्लाइड्स यहाँ पर बनाई गई हैं ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड सोर्सेज के थ्रू बनाई गई हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा एंड यू विल बी ऑल एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ईदर दे आर ऑफ यूपीएससी, दे आर फ्रॉम एनडीए और दे आर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन।
examination, including SSC also. ठीक है, तो आप बैंक का एग्जाम दें, आप UPSC का दें, सब में आपको ये स्लाइड्स जो हैं बहुत फ्रूटफुल होने वाली हैं। तो हमारा जो ETDOS ऐप है, आप उसको डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो देखिए इसमें माही रिवर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका जो बेसिन है वो कहाँ कहाँ से एक्सटेंड करेगा, वो मध्य प्रदेश से जाएगा, राजस्थान से जाएगा और गुजरात से जाएगा। किस किस रिवर से ये बाउंड है? ये बाउंड है आपकी अरावली हिल्स है नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में है मालवा प्लेट्यू, और आपका जो विंध्यास है वो है साउथ में, और गल्फ ऑफ खंबत पड़ता है वेस्ट में। तो आप सेम करिएगा, माही बना करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ लिखिएगा और इन सबको लिखिएगा। इससे आपको क्या पता रहेगा, सबसे पहली चीज आपको रिवर की लोकेशन पता रहेगी, दूसरी चीज कौन कौन सी पीक उसको सराउंड कर रही है ये आपको ध्यान रहेगा, और थर्ड अगर आप स्टेट में कंफ्यूज होते हैं तो आपको एटलीस्ट या तो पीक याद रहेगी या तो रिवर याद रहेगी, या तो स्टेट की बाउंड्री अगर थोड़ी सी आपको याद रहती है, क्योंकि हमेशा जब भी हम कोई एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं तो बहुत सारी चीज होते हैं जहां हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम दो जगह उस चीज को कोरिलेट कर लें तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू यू नो आंसर द क्वेश्चन। तो जब भी आपका रिवर वाला क्वेश्चन आएगा और स्टेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा कि कहां कहां से क्रॉस कर रही है, तो आप उसके लिए रिवर का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मार्जिन याद रखिएगा एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर आप रिवर याद कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ आपको पीक भी याद हो जाएगी, आपको अगर वहां पर कोई प्लेट्यू है या प्लेन है वो भी पता चल जाएगा, और स्टेट है तो उसकी बाउंड्रीज भी आपको डिमार्केशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ओरिजिनेट कहां से करती है आपकी माही रिवर? ये विंध्यास से ओरिजिनेट करती है जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। ठीक है, और फाइनली ये आपकी अरेबियन सी में जाती है गल्फ ऑफ खंबत से। ठीक है, सभी का आपका जो पॉइंट है वो सेम ही है, गल्फ ऑफ खंबत। अब लूनी रिवर, जो आपकी लूनी है याद रखिएगा, जितने भी रिवर्स अभी तक हम बात कर रहे थे वो मेनली आपकी थी या प्राइमरीली आपकी थी फ्रेश वाटर रिवर। ये जो आपकी लूनी है ये है आपकी सॉल्ट रिवर या फिर ये है ब्रैकिश। ठीक है, लोनारी भी इसको हम लोग बोलते हैं और लेवेनारी इन संस्कृत भी उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेम्ड सो बिकॉज इट्स वाटर इज ब्रैकिश बिलो बालतोरा, मतलब फ्रेश वाटर है लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये हमेशा जो है आपके लैंड के ऊपर ही रहती है तो लैंड पे इवेपोरेशन होगा तो सॉल्ट कंटेंट रिवर के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी वाटर मॉस चारों तरफ से लैंड से कवर्ड होता है तो उसकी सैलिनिटी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर कोई वाटर सोर्स के अंदर परमानेंटली फ्रेश वाटर इंक्लूड होते जा रहा है तो उसकी सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखें क्योंकि ये बाउंड है लैंडमास से तो इसकी वजह से ये ब्रैकिश हो जाता है बालतोरो के बाद। फ्रेश वाटर तो है लेकिन बालतोरो जगह के बाद ये ब्रैकिश है। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट करेगी? ये ओरिजिनेट करेगी अरावली रेंजेस से अजमेर के पास से। ठीक है ना, और क्या करेगी, 511 किलोमीटर तो राजस्थान में जाएगी और फाइनली गेट इनटू रन ऑफ कच्छ, यहाँ पर ये एक मार्श के अंदर खत्म हो जाती है। मार्श आपको समझ में आना चाहिए, दलदल। ठीक है, मार्श वाली जगह पे जाके खत्म हो जाती है। पिक्यूरिटी क्या है इस रिवर की कि जनरली हम जब बाकी और सारे रिवर्स की बात करते हैं तो उनका जो स्पैन है वो डिक्रीज होता है, मतलब यहाँ से अगर ऐसे चली तो फाइनली जाते जाते वो छोटी हो जाती है, लेकिन ये जो रिवर है वो इस तरीके से एक्सपैंड होती है। तो इंक्रीज इट्स विड्थ, क्यों इंक्रीज करती है उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसका जो कहना चाहिए जो इसका बेड है और इसके शोर्स हैं वो सैंड से बने हैं शोर और सिल्ट से बने हैं इसका बेड। तो बेड जो है डेप्थ तो इंक्रीज नहीं हो पाती लेकिन विड्थ इरोशन की वजह से वो इंक्रीज होते रहती है। तो यहाँ यहीं पर लिया हुआ है कि देन डीपनिंग द बेड, ठीक है ना, इट्स विड्थ रेदर देन डीपनिंग द बेड बिकॉज द बैंक्स आर ऑफ सॉयल, बैंक सॉयल, जो बैंक्स बने हुए हैं रिवर के जो किनारे हैं वो सॉयल से बने हुए हैं, मतलब पानी से उनका कटाव होता रहेगा, वो नीचे गिरते रहेंगे तो रिवर चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, विड्थ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। विच आर ईजिली इरोडेबल, ठीक है, वेर एज दी बेड्स आर ऑफ सैंड, लेकिन जो बेड है वो किसका है, सैंड का है। ठीक है, तो जल्दी से इरोड नहीं होगा। आपका होगा क्या इसमें, द फ्लड्स डेवलप, फ्लड अगर आएगा भी तो डिसअपियर हो जाएगा इतनी जल्दी कि पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आया और कहाँ पर वो खत्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे पार्ट है आपका वो कौन है, सैंड। ठीक है, एंड दे हैव नो टाइम टू स्कोर द बेड। ठीक, फाइनली हमारी सारी रिवर खत्म होती हैं और हाँ हम लोग बात करते हैं कि आपकी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो किस किस, मतलब जो माउंटेन पीक्स हैं उनको वो साथ में सराउंड करती हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको भी नाम लिया था, ये था आपका पार्ट गुजरात और यहाँ पर आपकी हैं नर्मदा, तापी, ठीक है, और ये है साबरमती, लून, ये सारे की सारी जो आपके रिवर्स, साबरमती, माही एंड फाइनली थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया मैंने उसको,
साबरमती, माही और ये लूनी जो इस तरीके से आपके रिवर्स ये आ रही हैं, कैसे कैसे हैं? यहाँ पर तो आपकी रिवर है अरावली, ठीक है, ये है आपकी विंध्यास, जो ब्लू से लाइन से शो हो रही हैं ये हैं आपकी विंध्यास। नीचे की तरफ ये वाली जो है आपकी, ये है सतपुड़ा, इसके नीचे देखें ये है अजंता, इधर की तरफ है मैकाल, ये है आपकी मिलान रेंज, ठीक है। बालघाट यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, तीन घाट है हमारे पास, तो बालघाट जो है आपका वो यहाँ पर पड़ता है। गाविलगढ़ हिल्स भी यहीं पर हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हिल्स हैं ये आपके सराउंड किए हुए हैं किसको, आपकी नर्मदा तापी वाले पार्ट को, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपका ये मध्य प्रदेश वाला पार्ट है ये हिल्स से मिलकर के बना हुआ है, और उसमें स्पेसिफिकली है विंध्यास, सोनपर हिल्स, ये स्पेसिफिकली जो पार्ट है आपका, राजमहल हिल्स, फिर रामगढ़ हिल्स, ठीक है, ये है उड़ीसा हिल्स, गर्जत भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, गर्जत हिल्स, और इधर की तरफ है ये नयागढ़ हिल्स। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिल्स कहाँ पर एसोसिएटेड है। तो इस डायग्राम को आप देखिएगा, आपको रेंजेस भी क्लियर हो जाएंगे। और आज जो हमने पार्ट कवर किया है वो हमारा पार्ट था पेनिनसुलर रिवर्स। होप यू लाइक द वीडियोस, ठीक है, और आप हमारे इस EduDoz ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।